ओके, मैंने बोला था ना सरप्राइज है अनन्या का। सिंकिंग करने अभी भी मुझे ऐसा मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। और अभी भी आई एम लाइक मेरे आंख में भी ऐसा लगता है अभी भी आई विल स्टार्ट क्राइंग बिकॉज द हैप्पीनेस इज सो मच। Running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, gotta stay here for some time. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो सुबह की जद्दोजहद हो गई, सारा टिफिन विफिन सेट करके अनन्या को छोड़ने आई थी तो उसको छोड़ दिया, वो गई स्कूल। सो वी जस्ट गणपति पापा के दर्शन करके मैं भी जाऊंगी बिकॉज इसके बाद है मेरा मतलब तो वीडियो लाइव करना, सो थोड़ा सा काम बाकी है वो। उसके बाद है जुम्बा जिम, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं उसके बाद ही आपको मिलने वाली हूँ। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट टाइम लेफ्ट लेग के नी में यहाँ पे इशू आया था, आज राइट लेग में। आई डोंट नो क्रैम्प पड़ा है कि क्या पड़ा है। सो देखती हूँ थोड़ी देर में ठीक होता है कि स्ट्रेच वगैरह करके, लेट्स सी। ये ना ये होता रहता है, चलो बाद में मिलती हूँ। सो चलो डन हो गया है। आज मैं सोच रही ना थोड़ा इस एरिया को भी चेंज करती हूँ, फूल वगैरह निकाल देते हैं, हो गई अभी दिवाली। तो ये धो धो के ना बार बार मैं इसी को लगाई थी, बस मुझे बहुत सुंदर लगा था रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन। बट लाइट थोड़ा कम है यहाँ पर, बट आई थिंक थोड़ा चेंज कर लेंगे। चलो चलो बैठते हैं। और ये घड़ी के लिए कोई पूछ रहा था, तो ये वन प्लस का है। मुझे तो खैर ये मिला था जब हमने टीवी लिया था ना, ये वाला, तो इसके साथ मिला था फ्री में, इसके साथ ही गिफ्ट था। तो वो है और इसे स्टेप्स पता चलते हैं। तो अनन्या ने तो बहुत पहना इसको स्टार्टिंग में, इसने दिया ही नहीं, अब जाके मुझे मिला है तो मैं इसको पहनती हूँ। तो जनरली कहते हैं 10,000 स्टेप आपका दिन में होना चाहिए, और मैं सिर्फ मॉर्निंग में जब मैं जुम्बा जाती हूँ उस टाइम पे, जिम में जाती हूँ उस टाइम पे पहनती हूँ, शाम को वॉक करते हुए पहनती हूँ, तो मेरा 11,000-12,000 स्टेप्स उसी में हो जाते हैं। तो जुम्बा और वॉक मिला के तो मुझे वही लगा पूरी दिन अगर मैं पहन के रखूँ तो कितने स्टेप्स होंगे, विच इज़ गुड। आई डोंट नो, मतलब आइडियली 10,000 के ऊपर स्टेप्स का कुछ मतलब बनता है क्या, बट स्टिल एक वो नो इससे जो है ना वो एक वो रहता है, क्या बोलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कैसा दिखता है। सो इस हिसाब से ये देखो ऐसा, सो एटलीस्ट एक काउंट रहता है, पता रहता है कि हम कितना कर रहे हैं। जैसे पहले मैं नहीं पहने तो मुझे नहीं पता था कि भैया मैं इतने स्टेप्स इतना वॉक करती हूँ, पता था कि वॉक करती हूँ एक्टिव रहती हूँ, पर इतना नहीं पता था। तो सुबह सो रहे हैं, चाय वाय बनाऊंगी उनके लिए, और नाश्ता तो मॉर्निंग में मैंने एक्स्ट्रा ही बना लिए थे ये अनन्या के जाने के बाद ना, थोड़ा सा उसने थोड़े से बाइट लिए और थोड़े से बच गया था वो, तो उसमें मैंने 2-3 और बना लिए हैं। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो एग ही खाऊंगी, बहुत ऑयली लगता है मुझे। सुभाष अगर खाएंगे तो खाएंगे, वरना अनन्या वापस आके खाएगी। बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी साबूदाना वड़ा, साबूदाना वड़ा, और मॉर्निंग में ना बहुत टाइम लगता है साबूदाना वड़ा बनाने के लिए, बट उसके लिए कभी कभी जल्दी उठना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो बहुत दिनों से बोल रही है, आज जल्दी उठी मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा, यू नो वो जल्दी उठी तो ताकि उसको चलो बना के दें तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए शांति। तो उसको ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पसंद है, तो चलो चलता है। तो मूंग दाल खत्म हो गया था तो ये मूंग दाल मंगाया है। तो मूंग दाल में जो चीला बनता है ना वो बहुत अच्छा बनता है, बिना तेल के, कम तेल के, बहुत टेस्टी भी लगता है और वेरी न्यूट्रिशियस। तो ये वही है 24 मंत्रा का मंगाया मैंने, ऑर्गेनिक। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा मैं ट्राई करती हूँ ऑर्गेनिक ही मंगाऊँ।
wash away the pain. चलो चाय चढ़ा दी है और जिम से आने के बाद बालों की ऐसी हालत होती है ना, इनफैक्ट जिमिंग में ना बाल काफी खराब होते हैं बिकॉज ऑफ द स्वेट और वो सॉल्ट उसकी वजह से ना. तो हर ऑल्टरनेट डे पे मुझे शैम्पू करना पड़ता है इसकी वजह से, बिकॉज वरना वो चिप 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 से हो जाते हैं. तो कल शैम्पू किया था तो आज शायद ना करूं. तो यहाँ पे कच्चा दूध उबालने वाली हूँ, उससे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल लूंगी फेस पैक के लिए. तो कच्चा दूध फेस पैक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. चलिए निकालिए, उसको कर देंगे गर्म. तो गर्म पानी करूंगी सुभाष के लिए. और यस, केटल पे मेरी नज़र है, मैं देख रही हूँ केटल. एक्चुअली पता है क्या है, मैंने केटल्स शॉप्स में भी देखे, मैं सोची एक बार होम सेंटर वगैरह के भी चक्कर मार के, क्योंकि मुझे जो केटल जो मैं सोच रही हूँ केटल लेने का, वो मुझे ऐसा चाहिए. जनरली क्या होता है ना, केटल में इलेक्ट्रिक केटल जो होता है पानी बॉयल हो जाता है, ठीक है. तो मुझे चाहिए जिसमें टेम्परेचर सेटिंग्स हो, कि आपको वार्म मोड पे लगाना है तो वार्म मोड पे कर दो, आपको नहीं बॉयल वाला चाहिए तो आप बॉयल मोड पे करो. उस पर मुझे एक दिखा है बट उसका ब्रांड आई एम नॉट श्योर, रिव्यूज भी मिक्सड है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वो वाला करूँ या फिर जो जनरली सबको पता होता है, यू नो आपका प्रेस्टीज हो गया या फिर केंट हो गया, वो वाला लूँ. तो उसी में कंफ्यूजन है. तो देखते हैं, अगर नहीं हुआ वो टेम्परेचर कंट्रोल वाला, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला, तो फिर शायद नॉर्मल वाला ही लूँ. बट मुझे वो ज़्यादा चाहिए, कि क्योंकि क्या होता है ना, पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर उसमें ठंडा पानी मिक्स करो, सो वो मुझे नहीं चाहिए. तो बाकी लेट्स सी वैसा मिलता है क्या. सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में तो मैंने चाय पी ली थी, बट ये वो थोड़ी सी जिम के बाद वाली जो चाय है उसी के साथ. चीयर्स. जिम में ज़्यादा पसीना निकल जाता है, इसलिए तो सॉल्ट बह करने के लिए, सॉल्ट और शुगर बह जाता है ना, इसलिए नमक चीनी बॉडी में वापस बरकरार करने के लिए. और तुम्हारे हाथ के लिए कोई पूछा तो तुम्हारा हाथ कैसा है, तो सुभाष के हाथ का स्टिच अभी ठीक है, सूख गया है. तो सुभाष इज बैक इन हिज जॉब ऑफ बर्तन धोने वाले भैया. तो सूख गया है फाइनली सुभाष का. अच्छा खासा लगा था, काफी टाइम लग गया हील होने में. छुट्टी खत्म. क्रिकेट नहीं, छुट्टी खत्म, क्रिकेट स्टार्ट. प्लीज, बहुत हो गया क्रिकेट, मतलब इतना हो गया ना अभी, मतलब आधी हो गई है क्रिकेट के. अब तो अनन्या भी क्रिकेट 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 क्रिकेट. सो अमेजोन से जस्ट कुछ चीजें रिसीव हुई हैं, खोल के देखते हैं. एक्चुअली ऑर्डर करो ना और फिर भूल ही जाते हैं कि क्या ऑर्डर किया है. जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, लगता है खुद के लिए ही कुछ गिफ्ट आया है. सो दिखाती हूँ क्या क्या आया. बगल वाला जो स्कूल है ना, वहाँ पे आई थिंक कुछ एनुअल फंक्शन वगैरह कुछ तो हो रहा है. सो इतना प्यारा गाना चल रहा है ना, दो तीन दिन से उनका कुछ तो गाना वो चल रहा है, अभी वो छोटो मारो मदन गोपाल ये चल रहा है. सो चलो दिखा देती हूँ आपको. ये तो मेरा, मैं अब तो सब देख के ही समझ जाते होंगे ये क्या है. तो जिनको नहीं पता उनको दिखा देती हूँ, ये है मेरा रीपर्चेज. और ये कब से रीपर्चेज हो रहा है, मेरा फेवरेट सनस्क्रीन लोशन. अगर आप अच्छा सनस्क्रीन लोशन देख रहे हो तो डेफिनेटली गो अहेड विद दिस. इतना अच्छा है ना ये मुझे एक साल हो गया आई थिंक यूज़ करते हुए. कुछ और अच्छा मिलेगा तो मैं हमेशा बोलती हूँ शेयर करूंगी, बट सो फार दिस फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल हैज़ टू बी माई फेवरेट, आई जस्ट लव इट. नेक्स्ट मैंने मंगाया है, ये मैंने पहले मंगाया था, ये बहुत कम लगता है और बहुत दिन चलता है. सो ये है लेनेज का लिप स्लीपिंग मास्क, ठीक है. और ये स्लीपिंग मास्क है, रात को लिप में लगा के आप सो जाओ, मॉर्निंग में से सॉफ्ट सॉफ्ट से लिप्स होते हैं. सो ये है अगेन मेरा रीपर्चेज, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. इसके लिप बाम भी मैंने सुने बहुत अच्छे हैं, बट मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज मैं जूसी केमिस्ट्री का ही अभी यूज़ कर रही हूँ सो फार. सो वो खत्म होगा, मे बी आई कैन गिव अ ट्राई. नेक्स्ट ये क्रीम अभी फिर से आना स्टार्ट हो गया है, निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर, मस्त है ये. मेरा सेकेंड टब है इसको, इसको यू नो खोलती है, इसको लगाती है ना, वो बचपन की खुशबू याद आ जाती है. क्योंकि बचपन में या तो पॉन्ड्स या फिर निविया, मतलब विंटर हो, तो ये दो क्रीम ही जहाँ तक मुझे याद, एक चार्मिस भी आता था, तो आई थिंक वो अभी भी आता है. सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, अभी आजकल मैं यही लगा रही हूँ. मैं थोड़ा चेंज कर करके लगाती हूँ बॉडी क्रीम्स, क्योंकि खुशबू नॉर्मल वो हो जाता है ना यूज टू, फिर मुझे थोड़ा चेंज करके अलग लगाना अच्छा लगता है. तो अभी फिलहाल आई एम यूजिंग दिस वन. है रेटिनॉल, यू नो आई यूज दिस फ्रॉम ओले रात को सोने से पहले. रेटिनॉल एंटी एजिंग होता है, रिंकल्स वगैरह हटाता है. नेक्स्ट इज दिस स्क्रब, ओके. सो ये आपका ऐसा, इसका टेक्सचर है ऐसा वॉलनट के, इसमें छोटे छोटे वो हैं, बहुत अच्छे से स्क्रब करता है. ये भी मेरा रीपर्चेज है फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल, बहुत अच्छा है ये स्क्रब. जस्ट क्लीन दिस. सो बहुत अच्छा स्क्रब है, काफ़ी अच्छे से साफ करता है फेस को. नेक्स्ट यार, ये मैंने परसों मंगाए थे, इसका ना पैकेट फट गया. सो इस तरह के ना डबल साइडेड टेप आते हैं स्किन पे चिपकाने के लिए, कपड़ों पे चिपकाने के लिए. मैं जस्ट एक खोल के दिखा रही हूँ बिकॉज मेरे को वेस्ट करने का मन नहीं है. सो इस तरह के सिलिकॉन टेप्स होते हैं, बॉडी टेप्स. आपका ब्लाउज खिसक रहा है या फिर कोई डीप नेक है उसको आपको ऊपर चिपकाना है,
कुछ भी कपड़ों से रिलेटेड कहीं पे भी चिपकाना हो, ऑफ शोल्डर करना है किसी ड्रेस को, तो इस टाइप से आता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ आपको, ऐसा ही एक साइड, और ये स्किन पे आपने यहाँ पे लगा दिया। सपोज मुझे आगे करना है, ठीक है, कोई डीप वो नेक है, मैं इसको आगे करके यहाँ पे लगाती हूँ और इसका यहाँ से टेप निकाल देती हूँ ऐसा। सो निकाल देते हैं ऐसा और इसको ऐसे स्टिक कर दूँ, ये देखो ऊपर वाला तो नहीं, मैंने नीचे वाला स्टिक किया है, तो ये ऐसा। सो ये बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा है ये टेप, तो आई थिंक बहुत आजकल हर जगह हर वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा, या तो आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया है तो डेफिनेटली ले लेना। ये देखो अच्छे से चिपक गया ना, निकलता नहीं है, और स्किन से निकालना भी बहुत ईजी है, स्किन को ऐसा आपका हार्म वाम कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल स्किन खिंच जाती है, वैसा नहीं है। और देखो काफ़ी अच्छा ग्लू है इसमें कपड़ों में, अच्छे से चिपक जाता है। रिलेटेड या फिर आप ऐसी कोई चीज़ पहन लो जिसमें आपको पैंटी लाइन दिखती है, विच इज़ आई जस्ट डोंट लाइक दैट, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है पैंटी लाइन दिखना, तो मैंने ये पहले मंगाया था जो मेरा अभी तक चल रहा है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बट क्योंकि मैं रेगुलर वॉश करती हूँ और सूखते नहीं है ना अगले दिन तक, इसलिए मैंने दो का सेट और मंगाया है। दिस इज़ सो गुड फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल स्किन के साथ आपका ये अटैच रहता है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर लेगिंग्स पहनो, क्योंकि ये थाई के नीचे तक आता है आपका, तो लेगिंग पहनो, आप जिम के लिए कोई लेगिंग पहनो, योगा पैंट्स पहनो, ये बिल्कुल आपका वो कहते हैं वो वी नहीं आने देता है। इसके बीच में इस तरह का आपका कॉटन का कपड़ा है, सो वेरी कंफर्टेबल, हाईली रिकमेंड। अगर आपने यूज नहीं किया है, एक साइड मंगा के देखो एंड यू विल थैंक मी, तो किसी के भी नीचे आप इसको पहन सकते हो। सो दिस इज माय नेक्स्ट रीपर्चेज। दो इयररिंग्स मंगाए हैं, एक और मंगाया था वो अभी तक आया नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम कभी आएगा तो दिखाऊंगी आपको। सो ये हैं दो इतने प्यारे इयररिंग्स हैं ना, रुको दिखाती हूँ आपको, एक ये है, ठीक है, ऐसा, और दूसरे ये हैं हूप्स। आपको पता है मुझे कितने पसंद है, मेरे पास छोटे वाले ना साइज के हूप्स नहीं थे, तो ये है दूसरा ऐसा, मैं पहन के दिखाती हूँ। इसमें ना और कलर्स भी अवेलेबल हैं, लुक हाउ ब्यूटीफुल दे आर, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। वाइट, ब्लैक, कुछ भी पहनो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, डैंगलिंग सा है, सो दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल इयररिंग। सो ये है और दूसरे वाला दिखाती हूँ। जब ये हूप आया था ना, मुझे लगा ये खराब तो नहीं है, बिकॉज ये जनरली यहाँ पे एक होल होता है ना उसके अंदर जाता है, बट इसका थोड़ा टेक्निक अलग है, नीचे की तरफ होल है। सो ये दिखाती हूँ आपको पहन के, ये कितने प्रिटी हैं। इसमें रोज गोल्ड कलर में भी है और गोल्ड कलर में भी है, बट आई प्रेफर सिल्वर मोर, तो आगे चल के दूसरे कलर भी शायद मंगा लूँ, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद आए ये वाले इयररिंग्स, बहुत मस्त हैं। सो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर फ्रॉम अमेजोन, तो लिंक्स सब रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे छोलों में थोड़ा सा नमक डाल दिया है, उसको बॉईल करने को लगा देंगे, सीटी लगा लूंगी इसमें। कच्चे दूध का फेस पैक बनाया जाए, तो मैं यूज कर रही हूँ ये रोज का पेटल का पाउडर, तो बड़ी मस्त खुशबू है। सो ये ऐसा है, ठीक है, इसको मैं दो तीन बार यूज कर चुकी हूँ, बहुत अमेजिंग है। और साथ में मैं बोलती हूँ ना, फेस पैक के लिए आपका वो हल्दी, नॉर्मल खाने वाली हल्दी नहीं यूज करते हैं, अलग से हल्दी आती है। सो ये मैंने नया पैकिंग मंगाया है इसका, इसकी खुशबू सुनते ना मुझे केरला की याद आती है, बिकॉज जब मैं केरला गई थी तो वहां से मैं दो तीन पैकेट्स लेके आई थी, तो संभव मुझे वहां का याद दिलाता है ये। मैं कच्चे दूध में डाल रही हूँ ये आपका इसका पाउडर रोज पेटल का, थोड़ा ज्यादा बना रही, बस सुभाष भी लगाएंगे ये। इसमें ऐसा ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा वॉलनट और मूंगफली, ये बादाम जो होते हैं ना उसका पाउडर, ये जो आपके खराब वॉलनट या फिर बादाम निकलते हैं ना उनको मैं ऐसे पाउडर बना के रख लेती हूँ, सो वो फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। सो इसको इसमें डाल लेंगे। सो ये देखिए ये ऐसा पेस्ट बन गया, इसको फेस पे लगा लेंगे। मैंने फेस वॉश कर लिया और स्क्रब कर लिया, बहुत दिनों से स्क्रब नहीं किया था, वाह कितना मस्त कलर है ना, बहुत ज्यादा मतलब ये ना आपके स्किन को बहुत अच्छा करता है। क्या देख रहे हैं, ब्लूबेरी, हाँ एग्जॉटिक फेस पैक है, बिल्कुल ब्लूबेरी नहीं है, रोज पेटल है, रोज पेटल पाउडर, हाँ सही है, बढ़िया लगाओगे, ऑब्वियसली लगाओगी, तुम्हारे लिए बनाया मैंने। सुभाष मेरा पार्टनर, पार्टनर इन एवरीथिंग, पार्टनर इन फेस पैक टू, हाँ धोया मुंह धोया फेस धो क्या, फिर लगाओ वो कर लेता हूँ ना, क्या सारे कृष्णा वगैरह से रिलेटेड। और यस, अनन्या का भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जब अनन्या आएगी तब बताऊंगी आपको क्या सरप्राइज है। सो यस, स्टे ट्यून्ड, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट सरप्राइज है, डिफरेंट है बिल्कुल अनन्या। तो जैसे नॉर्मली बनाते वैसे बना रही हूँ, प्याज फ्राई करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, वो फ्राई हो जाएगा, फिर टमाटर का पेस्ट के बाद फिर छोला डाल के थोड़ा सा कुक करके एंड में मैं बस ये करती हूँ कि वापस एक बार सीटी लगा लेती हूँ छोलों में मसाले के साथ, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर साग चढ़ाई है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल होने को रख दिया यहाँ पे, अब इसमें ना तड़का लगाएंगे एंड में, थोड़ा सा लहसुन जीरा और हींग डाल के, ये अदरक लहसुन प्याज और थोड़ा सा
धनिया पत्ता डाला है तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है मसाले की, इसलिए इसको। ये साग जब बॉयल हो गई ना उसके बाद थोड़ा ठंडा करके मैंने काट लिया है। पहले काटो तो ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इसको लगाएंगे तड़का। वैसे तेल में डाल रही हूँ हींग और जीरा और थोड़ा सा लहसुन। मैं लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च होती है ना वो भी डाल सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। साग जो है उसको डाल देंगे, बस थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमको ना साग को हेल्दी रखना है, ओवर कुक नहीं करना है। थोड़े से फ्लेवर के लिए ही लहसुन डाला है, तो बस ये बन गया, इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना दो बंडल लिए थे साग के, और देखो इतना सा ही बना है बस एक कटोरी। ऐसा खतरनाक कटोरी तोड़ फेस पैक लगाया सुभाष ने, का फेस दिखाओ, ये फेस पैक और ये देखो कटोरी, मतलब सुभाष कैसे, हाउ कम? अरे वो मैं धो रहा था तो एकदम से छूट गया। हाथ संभाल के बिल्कुल वाइट वो बेसिन है और वाइट कटोरी है, पता नहीं लगेगा। तो मसाला फ्राई होने पे टमाटर डाल दिया, टमाटर ना बिल्कुल लाल वाला है, ब्लिंकेट से मंगाया था, बिल्कुल मीठा वाला लग रहा है, मुझे लगता है इसमें दही डालना पड़ेगा एक चम्मच, देखते हैं एक बार फ्राई हो जाएगा ना फिर टेस्ट करके देखूंगी। तो यहाँ पे ले लिया है धनिया पाउडर खूब सारा, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा मसाला, भून लेंगे। टमाटर ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है तो मैं दही नहीं डाल रही हूँ। कभी ऐसा हुआ ना आपको लगे ना टमाटर बहुत मीठा है आपका, तो आप उस केस में उसमें दही डाल सकते हो, अच्छा आता है उसका फ्लेवर भी। थोड़ी देर उबल गया है, इसमें डालूंगी धनिया पत्ता और वापस से सीटी लगा लूंगी। इसलिए मैं जब कुक करती हूँ ना छोले तब मैं थोड़ा सा रखती हूँ कि ताकि उसमें और यू नो एक दो सीटी का वो रहे, गुंजाइश रहे, तो अभी इसमें और सीटी लगाऊंगी एक दो, तो ये सही बन जाते हैं, बिल्कुल बहुत टेस्टी बनते हैं। सो दो तीन सीटी लगा ली थी, अभी थोड़ी देर और उबालूंगी मैं भी, दो तीन मिनट। इसमें डाला है चाट मसाला, बस अभी दो मिनट और कुक करूंगी तो इससे और अच्छा मस्त फ्लेवर आता है। तो इससे मस्त और फ्लेवर आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना इससे डिशेज में ना बहुत डिफरेंस आ जाता है टेस्ट में। मेरा खाना बन गया और यहाँ पे सुभाष वैक्यूम भी कर दे रहे हैं। कितने बजे निकलोगे ऑफिस? एक डेढ़ बजे तक। हाथ में लगाई तो नहीं कांच उठाते हुए, गोबर डर था वापस से कट ना जाए। हाँ ये पूरा सुभाष का तीन टका रहने दो, अजीब सा लग रहा है देख के, मुझे टेंशन हो गई कहीं फिर से हाथ में कटवाओ फिर बर्तन में तो धोने पड़े। मतलब ही दुनिया सुभाष, मतलब ही दुनिया। थोड़े से बर्तन होते हैं ना जो हाथ से धोते हैं, डिश वॉशर में नहीं जाते, तो भी खाना बनाने के बाद मैं इमीडिएटली वॉश कर लेती हूँ, बिकॉज फिर बाद में इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर मन नहीं करता है। तो ये थोड़े प्लास्टिक के और ये वुडन वाले इनको हैंड से वॉश कर लेती हूँ, हो जाता है। के मैंने बोला था ना सरप्राइज है अनन्या का, अनन्या दिखाएं, 1 2 3 गो। अरे सो इधर उधर हो गया आपके हाथों से। सो ये है अनन्या का न्यू हेयर स्टाइल, बहुत दिनों से बोली थी मम्मा मेरे को बैंग्स चाहिए बैंग्स चाहिए, सो फाइनली फर्स्ट टाइम एवर, सीधे बैठो ना ठीक से, फर्स्ट टाइम एवर, उसे देखो दिखाती हूँ मैं पोनी के साथ कैसे लगती है, एवर अनन्या ने बैंग्स बनाए और मैं और सुभाष हंस हंस के लोटपोट हो गए। मैंने ही काटा एक्चुअली, फर्स्ट टाइम काटा ना तो मुझे उसको चाहिए था यहाँ तक, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम काटा तो मैंने सीधा काटा तो यहाँ पे था, लेकिन वो ना ऐसे रोल हो गए, फर्स्ट टाइम एवर था ना ऐसे बैंग्स का, इसीलिए तो हमको तो ऐसे अनन्य सुभाष को जैसे हमने दिखाया, सुभाष बताना कैसा था, सुभाष तो बिल्कुल भोंदू भोंदू लग रही है सुनते देखा, और अब धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे हम लोग। अनन्या को तो बहुत पसंद है उसकी खुशी, दो दांत आगे करके जो उसकी बनी वाली खुशी है ना, माय गॉड। बताना कमेंट करके अनन्या कैसी लग रही है, बोंदू बोंदू सी लग रही है, कैसी लग रही है, हम लोग इतना हंसे इतना हंसे, उसको ऐसे कभी देखा नहीं ना, इतना अजीब सा लग रहा था इसको देख के ऐसे। और बाल अनन्या के ना ऐसे वो है कर्ली कर्ली है, बेबी बेबी है ना, तो ये देखो देख रहे हो ये वाले बाल देखो इधर चले जाते हैं ऐसे, तो उसे खींच खींच के सामने लाना पड़ता है कि सारे बैंग्स सामने ही सेट हो रहे हैं। फिर बीच में हो गया साइड पोज ही दे तो वैसे ही लग रही सामने से। कमेंट करके पक्का बताना अनन्या का बैंग कैसा लगा, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, मतलब यही एज होती है ना जब आप डेयर कर सकते हो, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वैसे कर तो कभी सकते हो लेकिन इस टाइम पे ओके बैंग्स, लेकिन इस टाइम पे आपको ज्यादा ही ओपन होते हो नई नई चीजों के लिए, है ना। तो ये रही मेरी थाली, यहाँ पे है छोले, ये है चावल मेरे, खूब सारा सलाद और साग, सो ये रहा हमारा आज का खाना, बेसिकली मेरी थाली है क्योंकि मैं चावल थोड़े से कम ही लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है थर्सडे मॉर्निंग, कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था वेंसडे को, व्लॉग एंड भी कल कर दिया था, बट ऐसी खबर आई जो मतलब मुझे कल पूरा शाम लग गया मुझे वो चीज़ अब्जॉर्ब करने में, सिंक इन करने, अभी भी मुझे ऐसा मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, और अभी भी आई एम लाइक मेरे आंखों में भी ऐसा लगता है अभी भी आई विल स्टार्ट क्राइंग, बिकॉज दी हैप्पीनेस इज सो मच एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल, यू फ्रेंड्स आउट देयर, जिनके प्यार की वजह से दिस इज पॉसिबल, बताती हूँ मैं। सो पहले तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है, मस्त पहले चाय पीती हूँ फिर आपके साथ वो खबर शेयर करती हूँ, विच इज
नो लेस देन अ ड्रीम कम ट्रू. नो लेस देन क्या, दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू. सो बताती हूँ, तो ये सारी सब्जियाँ आज मैं लेके आई थी, इनको सब वॉश वगैरह कर दिया है. आज बनाने वाली हूँ गोभी और ये आपका मेथी के पराठे. तो चलो ये तो हो गया अपडेट घर के काम का, बिकॉज ये भी देना जरूरी है. सो चलो बताती हूँ बैठ कर आराम से चाय पीते हुए. सो फ्रेंड्स, वो बड़ी न्यूज़ जो है, पहले तो जैसे मैंने बोला, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल माई लवली एमवी मांची व्लॉग्स फैमिली, जिसकी वजह से ये जो मेरा एक ड्रीम था जब मैंने यूट्यूब खोला, स्टार्ट किया था, किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी यूट्यूबर का मतलब ये एक ड्रीम होता है, एक यू नो बकेट लिस्ट होता है, चेकलिस्ट उसको चेक करने का बकेट लिस्ट में. सो वो है टू गेट इन्वाइटेड बाय यूट्यूब, यू नो, टू देयर उनके जो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें. सो मुझे भी वही कल आया शाम को मेल. सो आई हैव बीन इन्वाइटेड एज अ क्रिएटर टू एन इवेंट. तो मुझे कल मुंबई जाना है गूगल के ऑफिस में. मतलब इट्स अ बिग थिंग टू गेट एन इन्वाइट फ्रॉम गूगल, फ्रॉम यूट्यूब एज अ क्रिएटर. अभी मैं कितना बिग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कितना बिग बोलूँ. सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. बिग इवेंट बिग इवेंट. सो एक माइलस्टोन है, मतलब ये जो 2022 है इस साल का, एक मेरा 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ और दूसरा ये माइलस्टोन अचीव हुआ है. एंड आई हैव नो वन एल्स टू थैंक्स बट यू ऑल. सो हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच. और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए. सो कल मेल आया तो मुझे तो सिंक इन ही नहीं हुआ कि मतलब एक्चुअल में ये मेल आया, बिकॉज पहले जो मेल आया था वो था उनका लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने का. तो इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, कोविड के टाइम पे बंद था, बट इस तरह के इवेंट्स वापस यूट्यूब ने स्टार्ट किए हैं. सो वे दे इन्वाइट सर्टन यूट्यूबर्स, उनको इन्वाइट करते हैं. तो कल वैसा ही था, क्योंकि कल मैं ऐसे देख रही थी, क्योंकि मुझे था कि लाइव स्ट्रीम है 9th का, मुझे पता था. बट एकदम से कल मेल आया शाम को कि ऐसा ऐसा है, स्पैम फोल्डर में. हाँ, वो भी मेरे स्पैम फोल्डर में गया. तो बाई चांस मैंने चेक किया तो मेरा यूट्यूब इवेंट से आता है ये मेल जो आता है. तो उसमें था कि भैया आपको ये फॉर्म भरना है, आपको इतने बजे पहुंचना है, ये सारा जो सारा क्या बोलते हैं आपका प्रोग्राम्स हैं, हाँ ये है वैसा है. तो कल शाम को मुझे वहाँ पे पहुंचना है 5:30 बजे, मुंबई में है गूगल के ऑफिस में. और ये देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. और रात को 9:30 बजे तक का है. तो अनन्या और सुभाष भी चलते हैं साथ में, लेकिन अंदर तो उनको अलाउड नहीं था. बट मेरा प्लान था कि ये लोग साथ में चलते, वहाँ पे हम लोग रात को होटल बुक करते, रुक के फिर अगले दिन आराम से ट्रैवल करते. लेकिन अनन्या का एग्जाम आ गया, तो अनन्या का कल भी एग्जाम है और सैटरडे को भी एग्जाम है. तो सुभाष और अनन्या का कैंसिल हो गया, तो मैं ही जाऊंगी. तो कैब लेके आई गो एंड फिर वापस रात को आता था. आई एम श्योर लेट हो जाएगा, 1-2 बजे जाएंगे. सो यस, इट्स अ बिग ह्यूज 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 थिंग. यस, मिंगल विद मिंगल, आई डोंट नो. मैं तो बिल्कुल जीरो वो लेके जा रही हूँ वहाँ पे, कि वहाँ पे क्या होने वाला मुझे भी नहीं पता. क्या पहनूंगी उसको लेके, आई एम श्योर काफी यूट्यूबर्स होंगे, मिलना होगा, होपिंग सो. सो कुछ भी नहीं पता मुझे एग्जैक्टली वहाँ पे कौन इन्वाइटेड है, कौन आएगा. बस इतना पता जो गेस्ट हैं वो कौन से हैं. तो लेट्स सी. तो अभी कपड़े भी मेरे को समझ में नहीं आ रहे क्या पहनूं, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ही आया है. तो आई एम नॉट श्योर अभी कि क्या पहना. अभी सबसे बड़ा टास्क मेरा आज यही होना कि भैया मेरे को पहन के क्या जाना है. तो चलो फ्रेंड्स, इसी खुशी के नोट पे आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ. मन नहीं कर रहा मैं एंड करने का, ऐसे बोलते रहने का मन कर रहा है कि मैं बोलती जाऊँ कि कितना अच्छा फील हो रहा है, कितनी खुशी फील हो रही है. और ये क्योंकि पहला है ना, आई डोंट नो आगे होगा कि नहीं होगा, ऐसे इवेंट में इन्विटेशंस आएंगे नहीं आएंगे, शायद आएंगे होपफुली. बट ये क्योंकि पहला है ना, फर्स्ट टाइम एवर, और आप देखते आए हो यू नो दूसरे यूट्यूबर्स को अटेंडिंग सच इवेंट्स, एंड देन व्हेन यू गेट इनवाइटेड, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. या तो चलो बहुत हो गया, बाय एंड थैंक यू सो मच. अनन्या नहीं है, मैंने वो बहुत सारी किस्सियां देती. चलो, यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू. बाय बाय.